आज की तिथि में हम स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को स्मरण करते हैं। उनका जन्म दिवस है और जो उनका योगदान रहा उसको याद करते हुए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। वो आधुनिक भारत के निर्माता थे। आज जितनी भी हम ये टेक्नोलॉजी देख रहे हैं जिसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं वो उनकी सोच थी, उनकी देन थी, जिसकी वजह से भारत ने बहुत उन्नति और तरक्की की है। मैं सभी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उस महान आत्मा को याद करती हूँ जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को बहुत बहुत आगे बढ़ाया। हमने बार बार प्रधानमंत्री जी के सम्मुख ये बात रखी है और ये कहा है कि जहाँ आप हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं, आपने हर इलेक्शन रैली में ये संबोधित करते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा गृह क्षेत्र है। और आज इस आपदा की घड़ी में ना आपकी तरफ से कोई संवेदना के दो अक्षर कहे गए, ना ही आपका कोई संदेश मिला, ना ही आपने जिस आर्थिक पैकेज की हम बात करते हैं कि आज हमारे लोगों को वापस पटरी पर लाने के लिए हमें इतना जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई स्टेट तो नहीं कर सकता। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि वो इस घड़ी में हमारा साथ दें ताकि हम लोगों को पुनः स्थापित कर सकें और इस संकट से उभार सकें।